नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये किसी नरक का दृश्य नहीं है। हाँ, अगर आपने नरक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, साक्षात नरक का दृश्य ये है। ये स्थान है ठरडा का ताल। ठरडा और सुजानगढ़ के बीच में एक सुंदर ताल है जिसको निश्चित रूप से नगर परिषद ने नरक का रूप दे दिया है। देख रहे हैं, यहाँ पर जो गाँव से जितना कचरा उठाया जाता है, आप थोड़ा इधर घुमाएं कैमरे को। सुजानगढ़ में हाल ही में नगर परिषद के द्वारा कुछ गाड़ियां लगाई गई है जो घर घर जाकर कचरा उठाती है, और वो कचरा लाकर नगर परिषद के कर्मचारी या जो भी सफाई कर्मी है वो इस ताल में डाल देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, आवारा पशु है, सुअर, वो सारे इकट्ठे हुए यहाँ पर हो रहे हैं। बहुत गंदगी का आलम है, और जब बरसात होती है जो बदबू आती है उससे ठरडा वासियों का जीना दुर्लभ हो जाता है, और उसके अलावा इसका प्रभाव सुजानगढ़ पे भी पड़ता है। कहने को नगर पालिका से सुजानगढ़ का जो ये है डिपार्टमेंट, वो नगर परिषद बन गया है, लेकिन उनके कार्यकलाप हैं वो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं। आज के समय में लोग विरोध करना भूल गए हैं। कोई भी गलत काम हो तो उसका विरोध नहीं होता है, लेकिन ठरडा गाँव के लोग हैं जो हर तरह से विरोध करते हैं। इसका उदाहरण विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जब उन्होंने एक समस्या को लेकर वोटिंग करने से मना कर दिया था। ये आज भी एक विरोध की झलक देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग ठड़ा के यहाँ पर उपस्थित हैं, और नगर परिषद की गाड़ियाँ यहाँ पर कचरा डालने के लिए आई, उन गाड़ियों को यहाँ पर रोक लिया गया है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा क्षेत्र, आप इधर घूमें, ये आप देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र में केवल कचरा नज़र आ रहा है। ये कचरा नगर परिषद की गाड़ियाँ यहाँ पर डालती है। नगर परिषद ने कोई ऐसा स्थान नहीं चुना है कि उस कचरे को तय स्थान पर डाला जाए। एक बहुत बड़ी योजना, अमृत योजना भी आई है, उसमें बहुत सारे दावे नगर परिषद कर रहा है कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, नाथों तालाब में वोटिंग करेंगे, नाथों तालाब को पार्क का रूप देंगे, लेकिन ये रूप क्या, कौन सा रूप है, इसका मेरे बात समझ में नहीं आ रही है। ये ठड़ा ताल का दृश्य आप देख रहे हैं, और ये नज़ारा अगर देखें तो ऐसा लग रहा है नरक का नज़ारा है। कि अगर आपने नरक नहीं देखा है तो यहाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए, कई किलोमीटर तक केवल और केवल कचरा नज़र आ रहा है। अगर कोई इधर से निकल जाए तो उसको लगेगा कि मैं नरक से गुजर रहा हूँ। और ये कचरा जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ डाल रही है, ये नगर परिषद की वो गाड़ियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये जो स्थान है, ये ठड़ा रामदेव जी मंदिर, ठड़ा शिवालय, साईनाथ मंदिर जैसे क्षेत्रों के बिल्कुल करीब है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठड़ा के सरपंच काजूराम जी मेघवाल भी मौजूद है, बहुत सारे ठड़ावासी जिन्होंने इन गाड़ियों को यहाँ पर रोक लिया है। नगर परिषद की गाड़ियाँ हैं जो सुजानगढ़ का कचरा लाकर यहाँ डाल देती है, और ये स्थान भी सुजानगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये गाड़ियाँ घर घर जाती है, कचरा इकट्ठा करती है और यहाँ लाकर डालती है। और ये आप देख रहे हैं, ये ठड़ा के लोग हैं, युवा है, बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध पिछले एक डेढ़ साल से कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद लगातार यहीं पर कचरा डाल रहा है। तस्वीर में मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर गुंबद नज़र आ रहा है। ये ठड़ा शिवालय का गुंबद है, और इसके बिल्कुल बगल में हमारा प्राचीन बाबा रामदेव जी महाराज का मंदिर है। और जो सुजानगढ़ ठड़ा रोड है, इससे नरक से बिल्कुल कुछ यानी 100-200 मीटर पर ही है। यहाँ बिल्कुल करीब है साईं बाबा का मंदिर है, द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी पंचमुखी बालाजी मंदिर है, छपूर्ण बालाजी मंदिर है, और इसके बिल्कुल करीब ये नरक का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर केवल और केवल कचरा नज़र आ रहा है। ये बदबू पूरे सुजानगढ़ तक महसूस की जा सकती है। बहुत बुरे आलम है, नगर परिषद की गाड़ियाँ यहाँ पर कचरा डालती है, और यहाँ के सरपंच साहब जिनसे मैंने भी बातचीत की है, मैं आपको भी सुनूंगा, उनका कहना है कि डेढ़ साल से हम नगर परिषद को, एसडीएम को, कलेक्टर को, सबको ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि ये पीछे देख रहे हैं आप, बिल्कुल करीबी ठड़ा गाँव है, और ये सारा कचरा जब आंधी आती है तो उड़कर ठड़ा तक पहुँच जाता है, और इसकी बदबू लोगों को निश्चित रूप से बहुत परेशान करती है। और आज लोगों ने विरोध किया है, इन गाड़ियों को यहाँ पर रोक लिया जो कचरा लेकर आई है। देखते हैं कितनी देर में नगर परिषद के सभापति आते हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह क्या है, ये कौन सी स्वच्छ भारत की तस्वीर नजर आ रही है। देखिए, ठड़ा का खूबसूरत शिवालय का गुंबद नजर आ रहा है, और इसके बिल्कुल पास में ही आपको दिखाऊंगा बाबा रामदेव जी का मंदिर है। ये मंदिर के बिल्कुल करीब तक कचरा है, ये दूर दूर से आपको मैं काफी दूर से दिखा रहा हूं, और जहां पर देखेंगे केवल कचरा नजर आएगा। ठड़ा का ताल है, जो लोग कहते हैं कि ये गुजरात के कच्छ जैसी सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करता है, लेकिन ये तस्वीर देखकर आपको बहुत दुख हो रहा होगा। और ये कचरे से बड़ी गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये भी कचरा लेकर आई, जिनको रोक लिया गया है, क्योंकि ठड़ा गांव के लोग बहुत जागरूक हैं।
और जब विरोध के बावजूद ये काम नहीं रुका तो आज उन्होंने इन गाड़ियों को यहाँ पर रोक लिया है और अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। आप देख रहे हैं सरपंच साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, कालूराम जी, देखते हैं कितनी देर में जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं और क्या बात होती है। बहुत सारे गाँव के लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कचरे की भरी हुई ट्रॉली आप देख रहे हैं। केवल कचरा नहीं होता है, मरे हुए पशु भी यहाँ पर लाके डाले जाते हैं जिनकी बदबू लोगों को बहुत परेशान करती है। मरे हुए पशुओं को खाने के लिए ये जानवर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखिए, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पशुओं के, मरे हुए पशुओं के अवशेष आप देख रहे हैं। नगर परिषद सुजानगढ़ क्या कर रहा है इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह तस्वीर देखिए आप, सुजानगढ़ ठड़ा के बीच के ताल का नज़र आपको दिखा रहे हैं, ठड़ा गांव का, जहाँ पर नगर परिषद के द्वारा डाला गया ये कचरा आप देख रहे हैं यहाँ पर। और आज जो कचरा लेकर गाड़ी आई है इनको यहाँ पर रोक लिया गया है, सुजानगढ़ से उठाकर ये कचरा सुजानगढ़ और ठड़ा के बीच में डाल दिया जाता है। और कितना कचरा डाला गया है इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी ने चला रखा है और स्वच्छ भारत की ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर, पूरे ताल में आप देख रहे हैं केवल कचरा नज़र आ रहा है। शहर के बहुत ही करीब आप देख रहे हैं ये हालात कितने बदतर नज़र आ रहे हैं। लीजिए देखिए, ये शिवालय के कितना करीब तक कचरा डाल दिया गया है, कचरे के ढेर से केवल 50 मीटर दूरी पर ये ठड़ा का शिवालय आप देख रहे हैं। पूरे ठड़ा ताल में कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है, लेकिन ये आप देख रहे हैं ठड़ा के शिवालय के बिल्कुल करीब तक कचरा डाल दिया गया है। और ये सब कुछ नगर परिषद सुजानगढ़ कर रहा है, पूरे सुजानगढ़ का कचरा लाकर यहाँ ठड़ा में डाला जा रहा है। ठड़ा गांव में बिल्कुल गांव के करीब शिवालय बाबा रामदेव जी मंदिर के करीब तक कचरा डाल दिया गया है और आज कचरा लेकर आई गाड़ियों को यहाँ पर रोक लिया है ग्रामवासियों ने। ये दृश्य बिल्कुल ठड़ा के करीब से आपको दिखा रहा हूँ, ये आप पास में देख रहे हैं बाबा रामदेव जी का मंदिर और ठड़ा शिवालय, और इसके बिल्कुल करीब तक आप देख रहे हैं कचरा डाल दिया गया है। और केवल कचरा नहीं है, मरे हुए जानवर लाके डाले जाते हैं। गांव में जो लेटरिन की पाउंडियाँ साफ की जाती है और जो सीवरेज की गाड़ियाँ जो जाती है वो गंदगी भी यहाँ पर इसी ताल में डाली जाती है और उसकी बदबू से पूरा ठड़ा गाँव परेशान हो जाता है। और जैसा सरपंच ने मुझे बताया है कि 1.5 साल से इस समस्या से हम परेशान हैं, अनेक बार नगर परिषद को इसके बारे में कहा गया है, SDM को ज्ञापन दिए गए हैं, कलेक्टर को बुलाया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक और तो पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर हमारे ऊपर टैक्स थोपा जा रहा है और लोग इस तरह से परेशान हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी अगर अधिकारीगण आए तो मैं उनसे जरूर पूछना चाहूँगा कि ये कौन से स्वच्छ भारत की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बार पुनः आप देखिए, ये कचरा बिल्कुल ठड़ा गांव तक डाला गया है, बिल्कुल शिवालय के करीब, केवल 50 मीटर दूरी पर है शिवालय इस कचरे के ढेर से, और थोड़ी दूर में नहीं है, पूरे क्षेत्र में आप देख रहे हैं केवल और केवल कचरा नज़र आ रहा है, गंदगी नज़र आ रही है। कितनी गंदी तस्वीर है ये, हालांकि बहुत सुंदर ठड़ा धाम में ये शिवालय बना है, लेकिन बिल्कुल उसके करीब तक नगर परिषद ने कचरा डाल दिया है। ये देखिए नगर परिषद का टेम्पो कितनी स्पीड से आ रहा है और ये भी कचरा लेकर ही आ रहा है, लेकिन जो टेम्पो आए हैं उनको सबको रोक लिया गया है। एक और आ रहा आप देख रहे हैं, ये भी कचरा लेकर ही आ रहा है। आप देख रहे हैं बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं नगर परिषद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। आप देख रहे हैं ठड़ा गांव का दृश्य आपको दिखा रहे हैं,
एक ओर जहां पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान के दावे ठोके जा रहे हैं कि देश को स्वच्छ बनाया जा रहा है, उसके नाम से लोगों पर टैक्स भी लगा दिया गया है, लेकिन अगर हम रियल में धरातल पर देखें तो कोई विश्वस्तता नज़र नहीं आ रही है, चाहे वो शहर हो या गांव हो। सुजानगढ़ की हालत सब जानते हैं। नगर परिषद ने रात्रि में सफाई का अभियान चलाया गया जिसमें प्रत्येक दुकानदार से 5 रुपये लिए जा रहे हैं, यानी महीने के 150 रुपये, ठेले वालों से 10 रुपये लिए जा रहे हैं, यानी महीने के 300 रुपये, फिर भी स्वच्छता नज़र नहीं आ रही है। और गाँव से जो कचरा उठाया जा रहा है वो यहाँ पर गाँव के नज़दीकी यानी सुजानगढ़ और ठड़ा के बीच में ला के डाला जा रहा है, और केवल कचरा नहीं है, मरे पशु डाले जा रहे हैं, शिवर मशीनें जो लेटरिन से गंदगी निकाल के लाती है वो भी यहाँ डाल देती है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इतनी गंदगी यहाँ पर, इतनी बदबू आ रही है, और बहुत सारे लोग हैं। एक बुजुर्ग है, उनसे बातचीत करेंगे। बाबू जी, क्या नाम आपको? ताम जी का नाम है। ठड़ा गाँव का? हाँ। तो आज घोसरो देखा है, यहाँ लाग रहे हैं जहाँ नरक में खड़े हैं आप? 43 वर्ष में हूँ। क्यों जी? 40 वर्ष पिछड़ी नौकरी के लिए। अच्छा। 2 सदस्य गाँव में फिर कोई कह नहीं हो। अच्छा। एक साहब को मोरियो मैंने रोक दूँ, सरप्राइज को नहीं है, वो शेर है, समझ गया ने? मारे गांव में मैंने वो आदमी हूँ। अच्छा। समझ गया ने? हाँ। तो गांव का मानो से देख रहे हो, वो क्या लाग रहे था ने? अब वो तो लाग रही है, सुन में लाग रही है, बाकी मैंने लाग रही को नहीं, अब मेरा और कमा नहीं उठी तो आगे कोई कार्रवाई कर सिया, आया यहीं आज था यहाँ पर रोको अभी बोल रू जगह को नहीं जगह मोल सही है ठंडो छोटो रोक नहीं है आगे आ कोई गलत थोड़ी है यानी थर्ड में थोतला दिया है ने। हाँ। तो गंदगी बड़ा अच्छा अच्छा बाबू जी आप बात बताओ क्या जी ओ जो को परेशान हो गंदगी है आ थाने परेशान करे बांस बदबू आवे बीमार हूँ बीमार हो जाए वो शानी को नहीं कही जयपुर में बढ़िया भर्ती कही ग्राम सड़ा पानी पीने का धर्म को नहीं आप सुन रहे हैं पानी पीने का धर्म नहीं है और शहर में जयपुर तक लोग भर्ती हो रहे हैं बीमार हो रहा है गांव और क्यों नहीं होगा इतनी गंदगी इसकी सारी जो हवा है वो ठड़ा गांव में जाती है आप सोचिए ऐसी गंदगी से जो हवा निकलती है वो लोगों को क्या देती होगी और पूरा ठड़ा गांव परेशान है और आज परेशान होकर यहाँ पर इन ट्रोलियों को जो गंदगी लेकर यहाँ पर आई उन सबको रोक लिया है यहाँ पर और नगर परिषद को सूचना दी गई है देखते हैं कि नगर परिषद के अधिकारी या सभापति कब तक यहाँ पर आते हैं आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में ठड़ा ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं 1.5 साल से लगातार प्रशासन का अवगत कराया जा रहा है लेकिन कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ा है ग्रामवासियों ने आज कचरा लेकर आई इन गाड़ियों को यहीं पर रोक लिया है मरे हुए जानवरों के अवशेष यहाँ पर जगह जगह पड़े नज़र आ रहे हैं आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है यहाँ पर बिल्कुल लग रहा है जैसे हम नरक में खड़े हैं बहुत ज़्यादा बदबू यहाँ पर आ रही है सांस लेना मुश्किल हो रहा है और आवारा पशुओं का यहाँ पर जमावड़ा आप देख रहे हैं और ये दृश्य बिल्कुल सुजानगढ़ के करीब ठड़ा के करीब नजर आ रहा है आप देख रहे हैं चारों तरफ मक्खियां भिन भिना रही है सुजानगढ़ से बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं समाज से भी मानचंद जी श्राफ को भी आप देख रहे हैं यहाँ पर और पारिक जी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर और जागरूक व्यक्ति विक्रम सिंह जी को भी आप देख रहे हैं जो ठड़ा धाम शिवालय के पदाधिकारी भी हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं मैं आपको ठड़ा ताल का दृश्य दिखा रहा हूँ इतना सुंदर ये ताल है लोगों को गुजरात के कच्छ की याद यहाँ पर आ जाती है इतनी खूबसूरत यहाँ पर हुआ करती थी लेकिन पिछले 1.5 साल से जब तक नगर पालिका की नज़र यहाँ पर नहीं पड़ी थी और जैसे उनकी नज़र पड़ी है उन्होंने यहाँ पर कचरा डालना शुरू कर दिया है और ये 4-5 किलोमीटर का पूरा एरिया कचरे से भरा नज़र आ रहा है और यहाँ पर निश्चित रूप से सांस लेना मुश्किल हो रहा है इस समय मेरे साथ यहाँ के सरपंच कालूराम जी और जागरूक युवा के रूप में यहाँ पर आप देख रहे हैं विक्रम सिंह जी हैं माणिक जी श्राफ यहाँ पर पहुँच चुके हैं पहले मैं विक्रम सिंह जी से बातचीत करना चाहूँगा विक्रम जी क्या स्थिति है यहाँ पर 1.5 साल से सरपंच साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है क्या पहले आवाज़ नहीं उठाई गई थी इस कचरे के खिलाफ देखो ऐसा है आवाज़ भी उठाई गई सबको बोला है भी है चेयरमैन साहब को भी यहाँ बुला के बताया गया है हमारे जो विधायक हैं उनको भी बुला के यहाँ पे बताया गया है लेकिन इसमें एक खेल है ये कूड़ा नहीं है ये खेल चल रहा है इसमें खेल क्या है कि जो ताल है ताल के अंदर ऐसे तो पानी भर जाता है तो ये कूड़ा डालते हैं फिर इसके अंदर क्या करते हैं धीरे धीरे वो भूमाफिया है ना वो धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं फिर वो कूड़ा थोड़ा आगे आता है फिर पीछे से कब्जा हो जाता है फिर आगे आता है फिर मतलब ये जो बस्ती है ना ये
ये कूड़ा वहाँ से शुरू हुआ था, वो टंकी है ना, वहाँ से शुरू हुआ था। तो ये मान लो कि भी 100-150 बीघा जमीन है, इसके ऊपर पूरी पे कब्जा हो गया। यहाँ पे हमारे बीजेपी के पार्षद हैं तनसुख जी, तो यहाँ तनसुख जी की एक बाड़ी है, तो वो बाड़ी पहले छोटी हुआ करती थी, फिर वो बढ़ते 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 वो 10-15-20 बीघा में हो गई। तो उसके बाद में यहाँ पे एक ये जो ज़मीन है ना, यहाँ पे भूमाफियाओं का काम है। भूमाफिया कौन है? भूमाफिया है जो मतलब इस तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, नगर पालिका से, नगर परिषद से जुड़े हुए लोग हैं। वो क्या करते हैं, ज़मीनों के धीरे धीरे वो अपने हिसाब से कब्जे करके बिजली पानी का कनेक्शन करवा के बाड़ बूढ़ करके उसमें क्या करते हैं कि पट्टे बनवाना और करवाना धीरे धीरे। ये एक मतलब ये एक सोची समझी रणनीति के अनुसार ये किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब ये जो ताल है, ताल की साथ में गोचर की ज़मीन थी, ठंडा ग्राम पंचायत की ज़मीन के ऊपर इनका कोई वैसे अधिकार नहीं है नगर परिषद का, लेकिन ये एक जोर है इनका। इस जोर की वजह से ये लोग ये काम करते हैं। अब गांव वाले हैं, गांव हमारे सरपंच साहब ने पहले यहाँ पे वो खाई खुदवा के इधर से रास्ता बंद करवाया, लेकिन फिर इन लोगों ने वापस खोल लिया। अब ये लोग तो क्या करेंगे, इनको तो कूड़ा डालने के लिए बोला जाता है तो ये तो ये डाल के चले जाते हैं, इनका तो कोई कसूर है नहीं। ये तो ये नगर परिषद का जो यहाँ पे कमिश्नर है, कमिश्नर का काम है कि वो इनको एक ज़मीन, यहाँ भी एक ज़मीन भी इनको अलॉट कर रखी बता रहे हैं भी 17 बीघा है। अब कहाँ है वो उसका पता नहीं है। ये आप देख रहे हो कम से कम मेरे हिसाब से 30 बीघा ज़मीन पे कचरा डला हुआ है, 30 बीघा ज़मीन पे कचरा डला हुआ है। जो पीछे ज़मीन वो 17 बीघा थी, वो 17 बीघा तो पीछे ही रह गई है। अब जो हम जिस जगह में खड़े हैं वो एक्चुअली ये अपने जसूनगढ़ की ग्राम पंचायत की ज़मीन है। इधर इस कूड़े वाली ज़मीन है, ये ठंडा ग्राम पंचायत की ज़मीन है। तो ये सारा तंत्र जो चल रहा है ना, ये भूमाफियाओं वाला तंत्र चल रहा है। मेन चीज़ ये है आपकी। मैं सरपंच साहब से बातचीत कर रहा हूँ। कलराम जी, क्या स्थिति है, आपको क्या लग रहा है? तो विक्रम सिंह ने बताया वो एकदम सत्य बात है, ऐसा ही कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन पीछे पीछे कब्जे होते जा रहे हैं और आगे कूड़े डालते जा रहे हैं। और बार बार नगर परिषद में और SDM साहब को भी मैंने ज्ञापन दिया है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बार बताइए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है? फिर भी मैंने थाने में जाके बोला था, उन्होंने बोला SDM साहब को ज्ञापन दो, उनकी तरफ से थाने में आएगा, उन्हें उन हिसाब से कार्रवाई कर देंगे जी। तो मैंने नगर परिषद से 2-5-7 बार मौखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों तरफ से अवगत कराया था जी। लेकिन उन्होंने क्या चेयरमैन है, चेयरमैन साहब यहाँ आए थे और EO साहब भी आए थे, उन्होंने उनको दिखाया, उनको देख कर बोला आज के बाद नहीं बढ़ेंगे। उन इस बात को लेकर करीब करीब 1.5 साल हो गए, 1.5 साल उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। फिर धीरे धीरे वही चलता जा रहा है, दिनों दिन दिन प्रतिदिन आगे आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, मैं समाज सेवी है और धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये इतना सुंदर क्षेत्र है जहाँ पर साईं बाबा का मंदिर है, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर है, शिवालय है, रामदेव जी का मंदिर है, इसकी दुर्दशा देखकर कितना दुख हो रहा है आपको? बहुत ही दुख हो रहा है। मैं 5 से तो निकलता हूँ रोज, आज यहाँ पर सही जगह आज ही आया हूँ, सही बात यह है। और देखो अभी 6 महीने पहले चेयरमैन साहब से, कमिश्नर साहब से समेरती सुराणा की मैंने मीटिंग कराई थी जी। तो वो बोले कि आपने वो जो कचरा खत्म करने वाली मशीन है वो मंगाओ, उसका वो स्टेटमेंट भेजो मेरे को, तो जो गवर्नमेंट से मिलता है वो गवर्नमेंट दे देगी, बाकी मैं करूँगा। हमारी संस्था मान संस्थान ऊँचे मैं कराऊँगा। आज भी उनका फोन आया मेरे पास, अभी चेयरमैन साहब से मैंने बात कराई है, तो वो क्या कागज उगज कुछ भेजे नहीं। लाड़ू के अंदर तो लग गया, लाड़ू में तो लग गया, यहाँ नहीं लगा। ये हमारी लापरवाही से ही नहीं लगा, चेयरमैन साहब की समझो, मेरी समझो, कमिश्नर साहब की समझो। उसका भी जल्दी से जल्दी वो कर रहे हैं काम और वो फटाफट मशीन लग जाएगी यहाँ पर। आप सुन रहे हैं, ये मशीन की वो बात कर रहे हैं। हाल ही में 1 साल हुआ था अमृत योजना का, तो नगर परिषद में एक समारोह मनाया गया था, उसमें बताया गया था कि हम एक मशीन लाएंगे, इस कचरे से खाद बनाई जाएगी जो बहुत काम करेगी। उस बात को 1 साल हो गए हैं और जैसा बता रहे हैं कि जो समाज से भी लोग हैं बमासा, वो सहयोग करने के लिए तैयार है, फिर भी नगर परिषद इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। कब वो मशीन आएगी, कब इस गंदगी से खाद बनेगी, कब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा? फिलहाल खड़रा गाँव के लोग दुखी हैं और इस मुद्दे को भूमाफिया से भी साथ में जोड़ रहे हैं। नहीं, एक चीज़ इसमें और है जी, जी एक चीज़ और है मैं बताऊँ। ये स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी सरकार ने चला रखा है और ये राजस्थान सरकार भी स्वच्छ भारत अभियान पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। हाँ।
उस करोड़ों रुपए खर्च करने का मतलब एक मेरे हिसाब से तो गबन ही हो रहा है। यहाँ पे जो इतना कचरा है, इस कचरे से बीमारी हो रही है। ठंडा गांव के लोग भी काफ़ी इससे परेशान है। इधर सुजानगढ़ के भी ये जो वार्ड नंबर 28 ये जो लग रहे हैं ना, इन वार्डों में भी बीमार हो रहे हैं लोग। लेकिन ये इनकी क्या है कि नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती क्या है कि भाई नगर परिषद कहती है विधायक जी को बोलो, विधायक जी कहते हैं नगर परिषद को बोलो, नगर परिषद कहती है चेयरमैन को बोलो, चेयरमैन कहता है पार्षद को बोलो, पार्षद बोलता है इसको बोलो, वो कहता है इसको बोलो। ये सारा खेल है ना, ये नूरा कुश्ती वाला खेल चल रहा है इनका, और कुछ है नहीं। और इससे बीमारी हो रही है। और ये मैं तो ये कहूँगा, देखो चाहे पार्टी कोई सी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे निकम्मे हैं, ये लोग सारे चोर हैं। एक नंबर के जो चोर है ना वो है, अगर इनकी 15 बीघा या 17 बीघा ज़मीन इनको अडॉप्ट कर रखी है इन्होंने, तो उसकी चार दीवारी करके उसके अंदर कचरा डालना चाहिए। कायदा तो ये कहता है। बाकी इन लोगों ने क्या कर रखा है भाई, ये जो लोग हैं इनको तो एक ऑर्डर है कि भाई आप यहाँ से कूड़ा उठाओ और वहाँ डाल के आ जाओ। कोई यहाँ पे कोई ज़मीन पर्टिकुलर एरिया तो बता नहीं रखा कि ये है इनकी, कि यहाँ डाला जाए। ये तो आते हैं डाल के फिर चले जाते हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है, ये जो इन पार्टियों के पदाधिकारी है उनको, कि भी इसमें जनता परेशान हो रही है कि नहीं हो रही है। अब ये वो मेरे हिसाब से तो ये कचरा उनके घरों के आगे डालना चाहिए। और लास्ट में हम लोगों को, देखो मैं जो काम ले लेता हूँ उसको मैं पूर्ण करता भी हूँ, ये भी है। और मैं जिस दिन यहाँ से ये भरवा के डालूँगा ना, तो सबसे पहले 2-4 ट्रॉली खेमाराम जी के घर के आगे डालूँगा। सही बता रहा हूँ आपको, और हकीकत है ये। क्यों? खेमाराम जी की आंखें नहीं है या उनको हमने बताया नहीं है। यहाँ चेयरमैन साहब है, उनको 2-4 ट्रॉली चेयरमैन साहब के भी डालनी पड़ेगी, क्यों ऐसे तो उनकी आंखें खुलेगी नहीं। अभी जस्ट उनको बोला है, उन्होंने बोला मैं कमिश्नर साहब वो आने के लिए बोले, आपने गाड़ियाँ रोक रखी है। मैंने बोला, वो कह रहे हैं मेरी वाइफ है, उनके कोई पैरालिसिस हो गया है, तो मैं तो बिजी हूँ, मैं कमिश्नर साहब को भेज रहा हूँ। तो कमिश्नर साहब को अभी तो आए नहीं है वो, और हम चाहते हैं इसका कोई निवारण हो, लेकिन ये निवारण होने वाला नहीं है। आप भी आते हो, मेहनत करते हो, सारे पत्रकार लोगों ने भी काफ़ी लिखा है, पीछे भी लिखा है, आगे भी अब लिखेंगे ही और सारे करेंगे। लेकिन ये जो तंत्र है ना, ये तंत्र भ्रष्ट तंत्र है, और इस भ्रष्ट तंत्र से जनता परेशान है। आप सुन रहे हैं, भ्रष्ट तंत्र से जनता परेशान है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का काम है कि जनता की आवाज़ को सुना जाए। ऐसा बता रहे हैं कि 17 बीघा ज़मीन अलॉट कर रखी है, जबकि ये कचरा जो है वो 30 बीघा में डाला जा रहा है, 30 बीघा से ही बाहर निकल रहा है, क्योंकि जब आंधी आती है ये सारा कचरा उड़कर ठंडा गाँव के घरों में जाकर गिरता है, और जब बरसात होती है इतनी बदबू हो जाती है। अभी मैं खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं मक्खियाँ बहुत मुझे परेशान कर रही है, सबको परेशान कर रही है, और सांस लेना मुश्किल है। मैं बोल रहा हूँ लेकिन हालत बहुत यहाँ पर बुरे हैं। और मैं पुनः कहूँगा, अगर आपने नर्क नहीं देखा तो एक बार यहाँ आप पर देखे नरक कैसा होता है, और ये बिल्कुल बदतर हालात हैं, और ये लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, ये यही जान सकते हैं। इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, इसलिए हम ये कार्यक्रम यहाँ पर बनाने के लिए हैं, और कार्यक्रम सारे जनप्रतिनिधि देख रहे होंगे। आपसे निवेदन है कि समस्या का तुरंत समाधान करें। और आप देख रहे हैं SDM साहब की गाड़ी यहाँ पर घूम रही है, वो ढूंढ रहे हैं कि जगह कहाँ है, क्योंकि ये जगह ऐसी है यहाँ पर पता लगाना मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं SDM साहब ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, और नरक में कोई जगह आसानी से मिलती भी नहीं है। और अब आप देख रहे हैं एक व्यक्ति गया है SDM साहब को इस खूबसूरत क्षेत्र में लाने के लिए। आप देख रहे हैं SDM साहब की गाड़ी आ रही है, और ये नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा होगा आपको। कुछ देर पहले यहाँ पर कचरे की गाड़ियाँ आ रही थी, और अब उपखंड अधिकारी महोदय आ रहे हैं। एक तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं सुंदर लग रही है, और इसके पास में ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और लोगों की समस्या को सुनने के लिए उपखंड अधिकारी महोदय आप देख रहे हैं पधार रहे हैं। अब उपखंड अधिकारी जी की गाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुंची है। उपखंड अधिकारी पहुंचे, आप देख रहे हैं जनता के बीच। खेलडा गांव की मतलब ग्राम पंचायत की ज़मीन है, और नगर परिषद को कचरो है जो ग्राम पंचायत की ज़मीन में लिया गया। दूसरी बात आ कि अबार जी की आप जगह खड़े हैं, ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ की है,
नागौर जिला की, तो बिकी जगह है। दूसरी बात है कि अड माके सुनना माइए कि 15 बीघा या 17 बीघा जमीन कोई एडोप्ट करेड़ी है कह नगर परिषद की, तो बी जमीन में ही कचरो घेरो जावे। और निवेदन है कि बी के चेयरमैन चार दीवारी बना दी जावे। है छड़ा के सरपंच कालूराम जी और विक्रम सिंह अपनी बात रख रहे हैं उपखंड अधिकारी के सामने। उपखंड अधिकारी पहुंचे हैं यहाँ पर लोगों की बात सुनने के लिए, क्योंकि जब नगर परिषद की गाड़ियों को यहाँ पर रोक लिया गया है। सरपंच साहब से बातचीत हो रही है। इस प्रकार से ये इसको तो मैं इसको चिन्हित करवा दूंगा। मैं जो नगर पालिका वाला था उसको नगर परिषद वो तो अलग चिन्हित कर दी जाए, बाकी बची आप क्या जाए बता दे। इधर जसवंत गढ़ की, इधर ठंडा की, नहीं बची चार दीवारी वो भी करवा दो भाई। मैं चिन्हित करें, चिन्हित बार कमिश्नर को लिख दूंगा भाई, चिन्हित मम्मी है उसको चार दीवारी करके, उसको चार दीवारी करें या एंगल लगा के तार बंद करके उसको कैसे करो। यहाँ पर कुछ पार्षद भी है, नगर परिषद के सफाई कर्मचारी भी है। तो अब नगर उपखंड अधिकारी कुछ सुझाव भी दे रहे हैं कि किस तरह से आपको काम करना है। सरपंच साहब को बता रहे हैं चार बंदी या चार दीवारी से उसको आइडेंटिफाई कर दीजिए, ठीक है। नंबर दो हो गया, नंबर तीन जो वर्तमान कचरा है इसको 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 डिस्पोजल करवाया जाए कैसे भी, ठीक है। या खड्डा खोद कर डलवाया जाए उस जमीन में, या करके इसको जलाया जाए कैसे भी कराया डिस्पोजल कराया जाए। नगर परिषद के सफाई ठेकेदार श्रवण सियोता हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। श्रवण, ये जो अभियान चल रहा है घर घर में गाड़ियां जा रही है कचरा ला रही है, उस कचरे को शहर के इतने करीब क्यों डाला जा रहा है? शहर के करीब इसलिए डाला जा रहा है जो जोगी नगर पालिका ने अलॉटमेंट कर रखी है वो वहाँ पर सिविल लाइन की लाइन खुदी हुई है, टेम्पू ट्रैक्टर वहाँ रास्ते से जा नहीं सकते, इसलिए मजबूरन इनको आना पड़ता है। अब शहर का कचरा उठाना भी जरूरी होता है, उठाना तो डालने के लिए कोई जगह नहीं है तो फिर ये लोग यहाँ डालते हैं। सिवरेज का काम तो अभी 2-3 महीने से हुआ है, ये 1.5 साल से समस्या बता रहे हैं। नहीं, पहले उधर ही डालते थे, उधर भी कचरा फुल हो गया। रास्ता जो है मेन उसमें सिविल लाइन खुदी हुई है और सिविल लाइन कारण उधर नहीं जा पा रहे। जब वो नगर पालिका अलॉट करके ना उस जमीन में नहीं जा पा रहे, इसलिए खाली तो करना पड़ता है, इसलिए यहाँ खाली करने आ जाते हैं। बार 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 नगर परिषद के अधिकारियों कहा जा चुका है कि रास्ते को सही कराओ सही कराओ, अब वो ध्यान देते हैं हम तो कह सकते हैं, उनको कराना तो उनका काम है। हर जगह नगर परिषद की निष्क्रियता नज़र आ रही है, उन्हीं का दोष नज़र आ रहा है। ये भी ठेकेदार है, ये भी कह रहे हैं कि हम नगर परिषद को बोल चुके हैं कि इस रास्ते को ठीक किया जाए, और हम खुद ही चाहते हैं कि जो निर्धारित स्थान है जो तय किया गया वहाँ पर कचरा डालें, लेकिन वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। अब उम्मीद है कि आज उपखंड अधिकारी ने बात को सुना है, बहुत जल्दी वो नगर परिषद को पाबंद करेंगे कि यहाँ पर चार दीवारी बनाई जाए और कचरा निर्धारित स्थान पर डाला जाए, और बहुत जल्दी वो गाड़ी वो जो प्लांट है वो लगाया जाए जिससे इस कचरे को ख़त्म किया जाए, इस कचरे से खाद बनाई जाए, इस कचरे को पूरी तरह से जलाया जाए। यानी कुल मिलाकर सुजानगढ़ और ठड़ा आसपास के क्षेत्र को इस गंदगी से, इस नरक से निजात दिलवाई जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रामवासी कचरा लेकर आने वाले सफाई कर्मियों से उलझ रहे हैं। हकीकत में कहते हैं मैं चंदो गिरा नगर पालिका मैं गिरा ना सीधा मैं थाने के बारे में बोलू कि क्या आप बताओ कोई काम कर मैं अपन जो नहीं कर आई मतलब मैं खेने वाले खड़े बड़े उसके यार हां अच्छा देखो दूसरी बात ये कुत्ता पल गया डरना सुना रात ने बकरियां मारे देखी वो एक दो बकरियां मार दी भी कभी सा दीवार को है सब जान वो दीवार को नहीं नगर पालिका को दे ठेई को दियो बे मैं कुत्ता गंदगी उड़ी है दुनिया का काय है जैसा छोटा छोटा पशु है बंद रहती है बड़े मैं ठड़ा क्षेत्र का दृश्य आपको दिखा रहा हूं। हमारे उपखंड अधिकारी निश्चित रूप से जनता की आवाज़ सुनने वाले हैं, ये हमने इनके आने के बाद यहां पर देखा है, और आज भी जनता की आवाज़ को सुनकर तुरंत यहां पर पहुंचे हैं। लोगों ने अपनी समस्या बताई है। मैं बता दूं देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है जिसके नाम पर लोगों पर टैक्स भी थोपा गया है, लेकिन सफाई क्या है ये सब जानते हैं, चाहे सुजानगढ़ हो या आसपास के गाँव का क्षेत्र हो। उपखंड अधिकारी महोदय से बातचीत करते हैं। सर, अभी आपने ये हालत देखे हैं, बिल्कुल लग रहा है जैसे हम नर्क में खड़े हैं। आप, मैं देख रहा हूँ आप भी मक्खियाँ उड़ा रहे हैं लगातार, तो क्या कहेंगे ये दशा देखकर आपको कितना दुख हो रहा है? मेरे को काफ़ी मतलब पीड़ा हुई है,
मैंने आपका बन टेलीफोन इनके सरपंच साहब का जाते ही तत्काल वहाँ से रवाना हुआ। मैं दीनदयाल बाकोलिया एसडीएम सुजानगढ़ जिला चूरू। मैंने जो है पब्लिक का ये स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है तो इसके लिए स्वास्थ्य से सफाई से स्वच्छता से अपने माननीय अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोदय की भाई स्वच्छता के भाई एक सप्ताह में कम से कम 200 घंटे स्वच्छता के प्रति काम करना चाहिए। तो इसी अपने मैंने जो संकल्प लिया संकल्प थे मैं स्वच्छता के लिए तो तत्काल में आए लोगों के प्रदूषण वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण इस प्रकार से ये प्रदूषण से दूसरे आदर किसी प्रकार की मौसमी बीमारियाँ नहीं फैल जाए। तो इन्होंने सरपंच साहब से मैंने इनको पूछा इनकी क्या है। सरपंच साहब ने कहा है कि सर कहीं यहाँ पर नगर परिषद को कोई भूमि कुछ अलॉटमेंट हुई है तो उस भूमि अलॉटमेंट भूमि को चिन्हित करवा दिया जाए। चिन्हित करवा के उसे तारबंद या दीवार से उसको एक आइडेंटिफाई हो जाएगी उसमें अपना कचरा डालें हमें कोई आपत्ति नहीं है ठोस पर। उसके अलावा जो ज़मीन हमारी खाली है वो ज़मीन हो जाए तो हमारे पंचायत में क्योंकि ताल की भूमि है आस पास में कई प्रकार के इनके सार्वजनिक कार्य इसमें होते रहते हैं मंदिर भी है तो उस मंदिर की पवित्रता पर इसको मतलब इसमें अच्छा प्रदूषण फैलता है उसे गंदगी फैलती है अपवित्र होते हैं उस साइड में तो इसलिए कम से कम ये गंदगी एक सीमा के अंदर रहे इस प्रकार के ये उन्हें ठोस पर इसका निस्तारण के लिए भी उनको आदेशित किया जाएगा। उनके भी अपनी भूमि को बोर्ड लगा लेंगे। ये पर पड़ोस में जसवंत ग्राम पंचायत की भूमि है उसको अलग चिन्हित कर दिया जाएगी ठरडा की अलग कर दी जाए नगर परिषद का अलॉटमेंट अलग करवा दिया। सर आप हाल ही में आए हैं अमृत योजना के अंतर्गत सैकड़ों करोड़ रुपए आए हैं जिसकी एक साल पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था नगर परिषद में जिसमें बहुत सारी योजनाएं बताई गई थी कि जो नाथो तालाब उसको पार्क बनाया जाएगा वहाँ पर बोटिंग की जाएगी सफाई होगी लेकिन वर्तमान में सुजानगढ़ की दशा हम देख रहे हैं। नगर परिषद ने रात्रि में सफाई का अभियान भी चला रखा है। आप संतुष्ट है सुजानगढ़ की सफाई व्यवस्था से? नहीं 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 मैं सुजानगढ़ की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है मेरे को आज ज्वाइन किए 2 महीने हुए हैं लगभग तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैंने उनकी मीटिंग भी ली थी अभी इस संबंध में और मीटिंग लूँगा पार उनके जो नगर पालिका के जो सारे बोर्ड की बैठक है उसमें भी बैठ के मैं इस बात को उनको उसके सामने पेश करूँगा बोर्ड को बताऊँगा उनको मेरे उच्च अधिकारियों को भी बताऊँगा इस प्रकार श्रीमान कलेर साहब का विजिट होगी उसमें भी बताऊँगा। ये समस्या सुजानगढ़ ठाड़ा दोनों क्षेत्र की है इस पर कितना गंभीरता से कार्रवाई होगी? इस मैं गंभीरता से ना मेरे ठोस प्रयास करूँगा मेरा और मैं इसका प्रयास आपके सामने आउटपुट नज़र आएगा आपको थोड़े दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इस पर काम होगा और आप इसको देखेंगे भी। उम्मीद है कि लोगों की बात को सुनेंगे। ये समस्या ठड़ा की नहीं है सुजानगढ़ की है आम लोगों की है जो यहाँ पर ठड़ा धाम में रामदेव जी के मंदिर में शिवालय में दर्शन करने के लिए आते हैं। 50 मीटर मंदिर से 50 मीटर दूरी पर ये नरक आलम देखने को मिल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। SDM साहब खुद कह रहे हैं कि सुजानगढ़ की नगर परिषद की सफाई व्यवस्था से मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस पर मैं बहुत जल्दी मीटिंग करने वाला हूँ। हमारा निवेदन SDM साहब से है भाई ये सरकार के यहाँ पे बड़े पद अधिकारी हैं ये चाहेंगे तो ये इस जो मतलब ज़मीन पे जो कूड़ा पड़ा है हम चाहते हैं जो 15 बीघा ज़मीन इनको नगर पालिका के पास है उसमें इसको इकट्ठा करके JCP लगा के और इसको एकत्रित कर दे तो ये ज़मीन खाली होकर साफ हो जाएगी। सर एक योजना भी है कि नगर परिषद अमृत योजना के अंतर्गत एक ऐसा प्लांट लगाने वाला है जिस कचरे से खाद बनेगी तो इसके बारे में आप बातचीत करेंगे कि ये मशीन कब तय गई क्योंकि भमासा लोग भी तैयार है सहयोग करने के लिए। मैं आयुक्त नगर परिषद सुजानगढ़ से मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा उनसे पहले डिटेल करूंगा ब्रीफ लूंगा उनसे पूछ के मैं अपने आप को मतलब अपडेट करके फिर बताऊंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल ये आप देखा किस तरह से लोगों ने इसका विरोध किया। SDM साहब खुद यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस समस्या को काफ़ी गंभीरता से ली है। देखते हैं इस पर कार्रवाई कितनी जल्दी होती है। SDM सुधागले मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद नमस्कार।